वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स। तो देखो हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग ये पूरा। तो चलो पहले क्या करता है, जो लॉग वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसको पहले लॉग के रूल्स के अनुसार क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, यानी हमको सॉल्व करने में आसानी हो। देखो बच्चों, मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ती है हमको, आपको मालूम है। सो यहाँ पर ही हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग, आपको मालूम है ये जो पूरा स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट को हम पावर में लिखते तो 1/2 लिखते, जैसे मालूम है ना आपको कि अगर रूट एक्स है तो एक्स का पावर क्या होता है 1/2। तो उसी प्रकार ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा स्क्वेयर रूट में है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पावर में लिख देता हूँ। तो 1 माइनस ये बनेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और उसका पावर 1/2 हो जाएगा ऐसा। और अब यहाँ पर लगेगा लॉग के रूल्स। तो लॉग में पहला कौन सा लगेगा, लॉग ए टू द पावर बी है तो बी सामने आएगा, यहाँ पर होगा लॉग ए, ठीक है। सो यहाँ पर ये 1/2 सामने आ जाएगा, तो पहले उसका काम कर लो। तो 1/2 और अब होगा लॉग 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सॉरी साइन एक्स है यहाँ पर, ठीक है। अब आप नीचे नीचे जाना बराबर, मैं भी यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ। तो ये 1/2 है, अब देखो लॉग ऊपर में कुछ नीचे में कुछ, यानी यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग ए अपॉन बी, फार्मूला क्या कहता, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ये करना ही है, ठीक है। सो अब इसके लिए क्या करते हैं, ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन में ये सब्ट्रैक्शन में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लेते हैं। सो बनेगा लॉग ए, ए यानी कौन, 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग बी, तो बी का मतलब 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो अब हमारा ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं डेरिवेटिव। तो चलो सॉल्व करके यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा की तरह dy/dx, ये 1/2 को आप साइड में ले लो और इनको आप क्या करो, डेरिवेटिव में डाल दो। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, लॉग 1 माइनस साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग, यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है, ये 1/2 तो बाहर ही है तो हम यहाँ पे लगाते हैं। देखो अब लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, तो यहाँ पर होगा 1/x, एक्स का मतलब 1 माइनस साइन एक्स इंटू, अब फिर से डेरिवेटिव किसका, 1 माइनस साइन एक्स का, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/x नहीं है, एक्स के जगह पे कुछ और है, ठीक है। ये माइनस, यहाँ पर भी लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, तो एक्स का मतलब 1 प्लस साइन एक्स इंटू, फिर से डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब पैक करो इसको। अब यहाँ पर देखो ये 1/2 है, यहाँ सॉल्व करना चालू कर दो। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा इसका डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम, 1, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 0, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में आएगा ये सब, यानी 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस है हमारे पास, यहाँ पर भी 1 का डेरिवेटिव होगा 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ इसको पैक कर दीजिए, यहाँ पर होगा 1/2। अब देखो यहाँ पर ये 0 को छोड़ दो तो बचेगा क्या हमारे पास, यस, माइनस कॉस एक्स, और नीचे होगा 1 माइनस साइन एक्स। ये 0 को छोड़ दो तो यहाँ पर माइनस है और ये बनेगा फिर से कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होगा। चलो सॉल्व करना शुरू करो, ये 1/2 है। साथ में देखो बच्चों यहाँ पे माइनस कॉस दोनों तरफ है, तो मैं ऊपर में क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉस एक्स को बाहर निकालते हैं, ये नीचे 2 है। अब अंदर बचा कौन, देखो माइनस कॉस गया तो 1/1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस, ये माइनस कॉस गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस 1/1 प्लस ये बनेगा साइन एक्स, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, यहाँ पर अंदर में क्या होगा, अंदर में होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो डायरेक्ट करो 1 से करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा साइन एक्स, प्लस इधर में करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, और पूरा नीचे देखो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब ए स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर का मतलब साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमको पूरा याद चाहिए, ठीक है। चलो सॉल्व करो, तो ये है माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब अंदर में देखो ये साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स कैंसल, और 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 और नीचे होगा 1 माइनस, देखो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर का मतलब क्या है, यस क्या है वो कॉस स्क्वेयर एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 कटेगा और एक एक बार कॉस कट जाएगा तो यहीं पे एडजस्ट हो जाता है, तो देखो ये माइनस है, 2 कट गया, एक एक बार कॉस कटा तो 1/1 नीचे बचेगा कॉस एक्स, और फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर हमारे पास है dy बाय dx लेफ्ट में, ये माइनस है और 1/cos कॉस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर sec x, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये आपको बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस उसके जैसा ही है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड दिखना और होना दोनों में फर्क है, ठीक है, अब उसको बराबर सॉल्व करते जाइए, ठीक। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा लॉग, ये एक पार्ट है इन टू में, देखो इन टू में ये दूसरा पार्ट है, तो हम क्या करते पहले लॉग का काम करते, सो पहले तो सबको लॉग को बांट दो आप, ठीक है, लॉग को बांट दो मतलब क्या है कि यहाँ पर पहले लॉग किसका होगा 4 उसका पावर है 2x प्लस, अब यहाँ पे दे दो ये लॉग पूरा का पूरा, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन रूट है 2x क्यूब माइनस 4 और उन सबका क्यूब है पावर है 3/2, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, ये देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है तो ये पावर में है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू क्या हो जाता, बी सामने आता यानी बी लॉग ए बन जाता, ठीक है, तो उसी प्रकार ये पावर 2x, ये पावर 2x को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, पावर 2x को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा लॉग 4, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है आगे में। अब आप सॉल्व करो, एक काम आप दूसरा भी कर सकते हो, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हो लॉग, देखो ये पावर 4x है और उसका पावर हम ले लेते 2, यहाँ पे देखो जैसे हम बोलते हैं ना पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो इस प्रकार यहाँ पर हम करेंगे यानी 4 का पावर x उसका भी स्क्वायर यानी 2 और x क्या बन जाएगा 2x, ठीक है, और बाद में हम इस 2 को सामने ला लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फिर से ये पूरा ब्रैकेट है उसका पावर है 3/2, ठीक है, और लॉग ऊपर में भी जाएगा लॉग नीचे में भी जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ थोड़ा डायरेक्ट करते, ठीक है, तो लॉग होगा ऊपर में, तो ऊपर में यानी कौन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5, और क्योंकि लॉग देखो ये 3/2 सामने आया तो लॉग ए अपॉन बी हुआ, लॉग ए अपॉन बी का मतलब क्या था, लॉग ए अपॉन बी मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी ऐसा था, तो यहाँ पर ये पावर तो सामने ले लिया लॉग ए अब होगा माइनस नीचे वाला लॉग क्या होगा बी, तो बी क्या है हमारे पास रूट में 2x³ - 4, ठीक है, इसको पैक कर दो, अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये 2 को हम सामने ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ बनेगा लॉग 4x, ठीक है, प्लस ये क्या है हमारे पास 3/2 है, यहाँ पर है लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस लॉग रूट, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2x³ - 4, ठीक है, सो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो सबको दे दो, तो ये वाई है, ये 2 को आप सामने लिख चुके हो, अब डायरेक्ट करते यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो x कौन है हमारा 4x, लेकिन असल में वो x नहीं है इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव बनेगा वो किसका 4x का, ठीक है, प्लस ये 3/2 बाहर में दे दिए हमने, अब ब्रैकेट में यहाँ पर भी लॉग का फार्मूला, तो होगा 1/x² + 5 इंटू फिर से डेरिवेटिव होगा हमारे x² + 5 का माइनस, यहाँ पर भी लॉग का डेरिवेटिव 1/ क्या है एक्स, तो एक्स का मतलब होगा 2x³ - 4 इंटू डेरिवेटिव होगा फिर से किसका √2x³ - 4, ठीक है, और इसको पैक कर दो। चलो सॉल्व करना शुरू करो, तो ये 2 है, अब देखो 2/ आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2/4x, ये 2 को कैंसिल मत करना, ठीक है, आप 4x का मतलब क्या है कि a^x उसका डेरिवेटिव, तो a^x का डेरिवेटिव क्या है a^x इंटू
log a, ऐसा हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, मतलब आंसर क्या होने वाला है इसका, यहाँ पर होगा 4 पावर x इंटू लॉग 4, ठीक है, प्लस अब ये 3 बाई 2 है। अब यहाँ सॉल्व करना शुरू करो, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 अपॉन, यहाँ पर है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलो अब है माइनस, यहाँ पर ये ऑलरेडी नीचे में ये है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव फिर से होने वाला है, तो 1 अपॉन क्या है, लिख लो, क्या है, 2x क्यूब माइनस 4 इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव सबको मालूम है क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब है 2x क्यूब माइनस 4, और थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ मैं, फिर से डेरिवेटिव आने वाला है, किसका डेरिवेटिव आएगा, जो अंदर में, क्योंकि x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो इसको मैं एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा में कर देते, फिर से डेरिवेटिव किसका, 2x क्यूब माइनस 4 का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता, देखो ये 4x, 4 पावर x और 4 पावर x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ये 2 है, साथ में होगा log 4 प्लस ये हमारे पास 3 बाई 2, इधर में होगा हमारे पास देखो 2x प्लस 0, सिंपली आपको लिखना है 2x, नीचे में होगा x स्क्वायर प्लस 5, ये माइनस है आपके पास, ठीक है। चलो अब देखो ये 1 सा क्या हो जाएगा, 1, अब नीचे में हमारे पास ये 2 को बाहर निकाल दो, और देखो रूट में ये और रूट में वो, ठीक है, ये यहाँ पर सेम है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, समझो हमारे पास है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अब डबल है, इसका मतलब क्या कि रूट एक्स उसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या, जो अंदर है वो, उसी प्रकार ये देखो ये पूरा का पूरा रूट, ये पूरा का पूरा रूट और रूट के अंदर सेम है, ठीक है, रूट के अंदर सेम है, तो उसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, जैसे यहाँ पर, तो अंदर का बचेगा, तो अंदर में क्या है, 2x क्यूब माइनस 4, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 2x क्यूब माइनस 4, ठीक है, इनटू, अब यहाँ इसका डेरिवेटिव कर लो, तो डेरिवेटिव क्या होने वाला है, देखो ये 2 है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 है इनटू, यहाँ होगा 3x स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। अब सॉल्व करो, यहाँ पर क्या, ये 2 है log 4 है प्लस यहाँ पर होगा 3 बाई 2, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये है 2x अपॉन, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 5, देखो अब यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो बचेगा क्या हमारे पास, 3x स्क्वायर अपॉन, ये 0 को छोड़ दो, 2x क्यूब माइनस 4, ठीक है। अब फाइनल आंसर में लिख दो इसको, dy by dx इज इक्वल टू ये 2 साथ में log 4 प्लस, अब 3 by 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो 3 into x क्या होगा, 3x अपॉन, नीचे में होगा x square प्लस 5 माइनस, यहाँ पर आप क्या कर दो, ये 3 3 बनेगा ऊपर में 9x square अपॉन, ये 2 से नीचे मल्टीप्लाई, एक तो मल्टीप्लाई करो नहीं तो ब्रैकेट में डाल दो, क्या होगा, 2x क्यूब माइनस 4, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारे पास आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो आपको इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा बच्चों, तो इस प्रकार से सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो हमने इस तरह से सॉल्व किया, यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट 2x निकाला होता, ठीक है, और log 4 कांस्टेंट होता, 2x का डेरिवेटिव 2 होता, तो भी हमारा काम यहाँ पर हो सकता था, जैसे भी यहाँ पे आपको जो करना है वो कर सकते हैं। देखो बहुत बार होता कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें डायरेक्टली था, कुछ चीज़ें यहाँ पे बार बार करके देनी पड़ती है, आप डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे कि फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये जो इतना सा अगर पोर्शन है, इतना पोर्शन को अगर लेते तो आप ये 2x को बाहर लिखते तो ये log 4 हो जाता, ठीक है, तो फिर log 4 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर होता log 4 और 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, यानी यहाँ पर भी क्या आता, 2 log 4 आता, तो ये भी चल जाता, आप इस तरह से करो उस तरह से करो आंसर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अब चलो हम देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहूँगा, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, होता नहीं अगर हम बराबर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, अब यहाँ पे भी क्या दिख रहा, देखो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते, मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉग होगा, चेक कर लो क्वेश्चन फट से,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन था कि यहाँ पे देर शुड बी लॉग। अब देखो ये लॉग है, फिर से लॉग के नियम, यहाँ पे कौन कौन है देखो, ई पावर एक्स स्क्वायर है, दूसरा पार्ट ये ब्रैकेट का, तीसरा पार्ट है ये, तो ये ऊपर में मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग ए इंटू बी है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, और अगर अपॉन में है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम शुरुआत करते हैं, सो वाई इज इक्वल टू बन जाएगा, सबको लॉग बांट दो, तो ये बनेगा लॉग ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा लॉग, ठीक है, फाइव माइनस फोर एक्स का पावर थ्री बाई टू माइनस यहाँ पर बनेगा लॉग, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ सेवन माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। चलो आपको मैंने बताया था, याद करो, ठीक है, क्या था कि लॉग, ठीक है, ई पावर कुछ अगर है मान लो, ठीक है, या फिर सिंपली दूसरे पद्धति से जाते हैं, देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरी बात अब क्या होगा, लॉग ई होगा, अब बोलेंगे कैसा, तो अभी हमने देखा था लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ए, तो ये जो बी वाला पार्ट है वो एक्स स्क्वायर समझो, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये थ्री बाई टू क्या हो जाएगा, सामने आएगा लॉग फाइव माइनस फोर एक्स माइनस, अब लॉग इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सेवन माइनस सिक्स एक्स उसका पावर वन बाई थ्री, ठीक है। अब चलो सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, सबको मालूम है लॉग ई की वैल्यू होती है वन, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, तो थ्री बाई टू लॉग है फाइव माइनस फोर एक्स माइनस ये वन बाई थ्री भी अब क्या होगा, सामने आएगा, ठीक है, सो लॉग सेवन माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स स्क्वायर होगा, तो ये वाई है, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करो, एक्स करो, तो लेफ्ट में होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सबको डेरिवेटिव बांट दो, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये है थ्री बाई टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग फाइव माइनस फोर एक्स, ठीक है, वन बाई थ्री डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, क्या होगा लॉग सेवन माइनस सिक्स एक्स, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी स्टेप बच सकती है, ठीक है। चलो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस ये ऑलरेडी थ्री बाई टू है, एक छोटा सा कुछ नहीं बराबर है, ये थ्री बाई टू हो गया। अब लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का मतलब क्या होगा, वन अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, तो मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव फिर से तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस फोर, क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो माइनस फोर, आप बोलेंगे कैसा, फाइव कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, फोर एक्स है तो फोर बाहर गया और एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास है वन बाई थ्री, लॉग का डेरिवेटिव फिर से कहूँगा मैं वन अपॉन सेवन माइनस सिक्स एक्स और उसका फिर से डेरिवेटिव, तो सेवन का डेरिवेटिव जीरो माइनस सिक्स बाहर गया, एक्स का डेरिवेटिव वन, यानी इस प्रकार से, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करो, तो ये टू एक्स, ठीक है, अब देखो बोला ये माइनस फोर है, जीरो माइनस फोर माइनस फोर, अब ये टू इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा, ठीक है, तो टू टू ज़ा फोर, और ये जो टू है बच्चे, टू थ्री ज़ा बनेगा सिक्स, और वो भी माइनस, यानी माइनस सिक्स अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या है, माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स और पहले तो माइनस माइनस बनेगा प्लस थ्री टू ज़ा, तो यहाँ पे टू बचेंगे, तो टू अपॉन क्या होगा, सेवन माइनस सिक्स एक्स, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारा डेरिवेटिव होगा कौन सा, आंसर होगा हमारा टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स प्लस टू अपॉन सेवन माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमें हमारे क्वेश्चंस को अंजाम देना होता है, सॉल्व करना होता है। फिर से कहूँगा, जो हमारे पास गिवन है वो, फिर क्वेश्चन क्या है वो, और उन दोनों को कनेक्ट करने वाला बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें हमारे माइंड में, उन सबका अगर आप मिक्सचर कर दो तो हमारे कोई भी प्रॉब्लम ईजी वे से क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।